कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ थिएटर्स तक सीमित नहीं रहती हैं, ये पर्दे से बाहर निकलकर हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। हम क्या करते हैं से लेकर हम कैसे सोचते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इन फिल्मों पर डिपेंड ज़रूर करता है। प्यार करने के सही ढंग से लेकर कॉलेज में एग्ज़ाम की तैयारी करना हो या फिर किसी मुश्किल पहेली का जवाब ढूंढने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाना, ये सब कुछ हमारे सिनेमा की ही देन है, खासतौर पर उन फिल्मों की जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के झंडे गाड़ दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी इंडियन। हाजिर हूँ आपके एक स्पेशल वीडियो लेकर जिसमें 2000 से लेकर 2020 तक की 51 मास्टरपीस फिल्मों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने हमारा दुनिया देखने का नजरिया बदल दिया है। अगर गलती से कोई भी फिल्म छूट गई है तो वीडियो देखिए और अपनी गलती को सुधार लीजिए। 2012 में रिलीज हुई पान सिंह तोमर देश के सबसे बड़े डकैत के ऊपर बेस्ड है, जो किसी जमाने में देश के लिए मेडल्स जीत के लाया करता था, लेकिन फिर इंसाफ और नाइंसाफ के खेल में फंस कर उसकी जिंदगी कुछ ऐसी पलटती है कि वो जंगल में कूद कर दूसरों की जान लेने के लिए मजबूर हो जाता है। 2015 में रिलीज हुई पीकू एक फादर और डॉटर के रिश्ते की गहराई को हमारे सामने रखती है। मॉडर्न जमाने की लड़की है जो जिंदगी में फ्रीडम की तलाश कर रही है, लेकिन उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है उसके पापा, जो किसी भी हालत में खुद को बेटी से अलग होते हुए सोच तक नहीं सकते हैं। 2009 में रिलीज हुई वेकअप सिड हम सबकी कहानी है, जो जिंदगी में मंजिल की तलाश कर रहे हैं लेकिन ऐशो आराम मौज मस्ती और पार्टियों में कुछ ऐसे फंस गए हैं कि मेहनत नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी से गायब हो चुका है। 2013 में रिलीज हुई टेबल नंबर 21 एक ऐसे कपल की कहानी है जो इमोशंस और पैसे के मामले में थोड़े गरीब हैं, लेकिन फिर किस्मत पलटती है और एक गेम को खेलकर करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलता है। शर्त बस एक है कि सच बोलोगे तो पैसा मिलेगा, झूठ बोलोगे तो मौत मिलेगी। 2012 में रिलीज हुई इंग्लिश विंग्लिश मामूली से खास बनने की कहानी है। किस तरह आजकल इंग्लिश सीखना खाने पीने से भी ज्यादा जरूरी है, उस बात को साबित करती है एक हाउसवाइफ जो इंग्लिश सीखने के बहाने अपने अंदर छुपे हुए एक नए इंसान से रूबरू हो जाती है। 2007 में रिलीज हुई भूल भुलैया बचपन के किस्से कहानियों वाले भूत को जिंदा करने का काम करती है। एक राजा है, उनकी हवेली है और एक भूत है जो पुश्तों से राजा की जान के पीछे पड़ा है। ऐसे में एक डॉक्टर साहब भूत से टकराते हैं और उसको धूल चटाने की गारंटी देते हैं। 2015 में रिलीज हुई नील बट्टे सन्नाटा अमीरी और गरीबी के फर्क को सही ढंग से समझाने का काम करती है। क्या लगता है, पढ़ाई पे सिर्फ पैसे वालों का हक है या फिर छोटे लोग भी बड़े होकर इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना सच कर सकते हैं? 2012 में रिलीज हुई ओ माई गॉड धरती पर रहने वाले भगवान के एजेंट्स और खुद भगवान की पोल खोलने का काम करती है। जब सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है तो इस फिल्म को भी उनकी इच्छा से देख लीजिए, वादा करती हूँ सच्चाई और नौटंकी के बीच का फर्क एकदम सटीक तरीके से समझ आ जाएगा। 2003 में रिलीज हुई मुन्ना भाई MBBS हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रगल डॉक्टर बनना है साहब की सच्चाई को हमारे सामने रखती है। सिर्फ किताबें पढ़ने से आप डॉक्टर जरूर बन सकते हैं, लेकिन रट्टा लगाने से असल जिंदगी में पेशेंट का इलाज करना मार्स पे पानी ढूंढने जितना मुश्किल है। 2018 में रिलीज हुई थ्री स्टोरीज मुंबई के तीन मंजिल के चौल की कहानी है, जिसमें चार अलग अलग किस्सों का जिक्र किया गया है। एक बुजुर्ग महिला, दो पास्ट लवर्स और एक अतरंगी सी दिखने वाली औरत जिसपे मर्द अपना दिल हार जाते हैं, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं इसका जवाब ढूंढते ढूंढते आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। 2004 में रिलीज हुई वीर जारा एक ऐसे प्यार को फोकस में डालती है जिसको देश की सरहदें भी नहीं रोक सकती हैं। वीर एयरफोर्स के पायलट हैं जिनका दिल पाकिस्तान से आई हुई जारा के ऊपर आ जाता है। 22 साल बाद वीर पाकिस्तान की जेल में पाए जाते हैं, क्यों कब कैसे इसका जवाब आपको सच्चे प्यार के दरवाजे तक पहुंचा देगा। 2014 में रिलीज हुई सिटी लाइट्स मुंबई में बसे हुए छोटे शहर से आने वाले लोगों के सपनों का ताना बाना हमारे सामने रखती है। दीपक छोटे गांव से मुंबई आता है और साथ में अपने परिवार को भी लाता है, लेकिन मुंबई उसको ऐसा नोचती है कि पैसा कमाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। 2004 में रिलीज हुई लक्ष्य एक लाइफ चेंजिंग मूवी है जो देश के रियल हीरोज यानी आर्मी सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने का काम करती है। कैसे एक मामूली सा लड़का देश की सेवा करके सच्चा हीरो बनकर बाहर निकलता है और पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर देता है। 2018 में रिलीज हुई मंटो मशहूर राइटर सादत हसन मंटो की बायोग्राफी है, जिसमें उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को बखूबी पर्दे पे उतारने की कोशिश की गई है। देश के बंटवारे से लेकर खुद की पहचान को ढूंढना हो या फिर बोल्ड स्टोरीज लिखने के लिए लोगों की नफरत, सब कुछ फिल्म में हूबहू उतारा गया है। 2016 में रिलीज हुई पिंक ना जैसे शब्द का असली मतलब समझाती है। तीन नए जमाने की लड़कियां हैं जो अपनी मर्जी से जिंदगी जीती हैं, फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इनको कोर्ट तक घसीट लिया जाता है। क्या सच में लड़के लड़कियों से ऊपर होते हैं या फिर ना बोलने का हक दोनों को बराबरी का है? 2013 में रिलीज हुई क्वीन एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शादी कैंसिल होने के बाद अपने टूटे दिल के साथ अकेले हनीमून पर निकल
निकल जाती है और पूरी दुनिया के दर्शन करती है। बदले में जो सीखने को मिलता है उसे सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि उसकी सोच भी पूरी तरह बदल जाती है। 2003 में रिलीज हुई हंगामा आपकी जान लेने की ताकत रखती है, लेकिन इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होगा बल्कि हंसते हंसते आप भगवान के घर पहुंच सकते हैं। दो अजनबी शादी का नाटक करते हैं तो दूसरी तरफ एक अमीर पति अपनी बीवी पे शक करता है। जब ये चारों एक दूसरे से टकराते हैं तो हंसी के धमाके होने लगते हैं। 2013 में रिलीज हुई ये जवानी है दीवानी घर बैठे बैठे ही आपको मनाली के साथ साथ दोस्ती और प्यार के सफर पर लेकर जाती है, जिसमें कबीर, नैना, अदिति और रवि का सहारा लेकर जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है वो आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। 2013 में रिलीज हुई स्पेशल 26 कुछ ऐसे शातिर लोगों की कहानी है जो नकली CBI बनकर बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के काले धन पर अपना हाथ साफ कर देते हैं। पासा पलटता है जब इनसे भी चालाक एक पुलिस ऑफिसर हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाता है। पुलिस या फिर चोर, दोनों में से जीत किसकी होगी। 2018 में रिलीज हुई कारवां तीन ऐसे लोगों की कहानी है जो अलग अलग उम्र में जिंदगी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। एक स्टूडेंट है जिसकी दुनिया पार्टी और रोमांस में फंसी है, एक इंजीनियर है जो पापा के इशारों पर जी रहे हैं और तीसरे इन दोनों से हटकर अपनी शर्तों पे दुनिया को नचा रहे हैं। 2012 में रिलीज हुई कहानी एक प्रेग्नेंट वुमन के अराउंड लिखी गई है जो अपने पति को ढूंढते हुए लंदन से सीधा कोलकाता पहुंच जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब हर इंसान उसके पति के असली होने पे सवाल खड़ा कर देता है और उसको पागल समझ लिया जाता है। 2019 में रिलीज हुई सेक्शन 375 एक कोर्ट केस के ऊपर बेस्ड है जिसमें बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। इससे भी आगे बढ़ते हुए एक लड़का और लड़की को कानून से मिले हुए राइट्स का गलत फायदा किस तरीके से उठाया जाता है उस पर भी कर हमला किया गया है। 2011 में रिलीज हुई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तीन दोस्तों की कहानी है जो एक साथ स्पेन का चक्कर लगाने निकलते हैं और नई यादों के साथ साथ पास्ट में हुए कुछ डिफरेंसेस को भी दूर कर देते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, तीनों दोस्त कुछ ऐसे खेल का हिस्सा बनने वाले हैं जो शायद उनकी जिंदगी पे फुल स्टॉप लगा देगा। 2019 में रिलीज हुई गेम ओवर एक कंप्यूटर इंजीनियर की कहानी है जो एक ऐसा गेम बनाती है जो हकीकत और फिक्शन का फर्क मिटा देता है और ये खुद उस गेम के अंदर फंस जाती है। जीतने के सिर्फ तीन चांसेस हैं, लेवल क्लियर वरना हमेशा के लिए गेम में कैद रहना पड़ेगा। 2001 में रिलीज हुई दिल चाहता है दोस्ती की मिसाल रखने का काम करती है, एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें ना तो कोई शर्त है और ना ही कोई लालच है। तीन दोस्त हैं जो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं और खुद से भी ज्यादा दोस्ती पे भरोसा करते हैं, लेकिन फिर दोस्ती में प्यार की एंट्री होती है और सब कुछ धीरे धीरे बदल जाता है। 2008 में रिलीज हुई अ वेंसडे आम आदमी की ताकत की छोटी सी झलक हमें दिखाने की कोशिश करती है। वही आम आदमी जिसको देश की गवर्नमेंट हल्के में लेती है लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो सिर्फ एक मामूली सा आदमी पूरी सरकार को दिन में तारे दिखाना शुरू कर देता है। 2013 में रिलीज हुई जॉली LLB इंसाफ और बेईमानी के बीच कानून का खेल हमारे सामने रखती है। एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा कुछ गरीब मजदूरों पे गाड़ी चढ़ा देता है, सबूत एक भी नहीं है, गवाह एक भी नहीं है, ऐसे में एक मामूली सा लॉयर पूरे सिस्टम के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाता है। 2006 में रिलीज हुई ओमकारा बाहुबली ओमी के इर्द गिर्द लिखी गई है जो डॉली को उसके घर वालों के सामने से उठाकर उससे शादी करता है। फिर कहानी में एंट्री होती है लंगड़ा त्यागी की जो अपने स्वार्थ के लिए ओमी के भाई के साथ डॉली का नाम जोड़कर मौत का तमाशा शुरू कर देता है। प्यार या फिर नफरत, जीत किसकी होगी। 2016 में रिलीज हुई सरबजीत एक मामूली से किसान के अराउंड लिखी गई है जो एक रात शराब के नशे में बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान पहुंच जाता है। उसको वापस लाने के लिए उसका पूरा परिवार दोनों देशों की सरकार से टकराता है, लेकिन राजनीति के खेल में फंसकर सरबजीत इंसाफ से कोसों दूर रह जाता है। 2014 में रिलीज हुई तितली कुछ बदमाशों के अराउंड लिखी गई है जो हथौड़ा मार के लोगों की कार चोरी कर लेते हैं। इनके घर का सबसे छोटा बेटा है तितली जो नई नई शादी के बाद फैमिली बिजनेस से पीछा छुड़ाने की हिम्मत करता है, लेकिन क्या सच में गुनाहों से दूर भागना इतना आसान है। 2004 में रिलीज हुई स्वदेश एक साइंटिस्ट की कहानी है जो अपनी जिंदगी में काफी सक्सेसफुल हैं और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के लिए काम करते हैं। किस्मत का खेल कुछ ऐसा पलटता है कि इंडिया आकर एक छोटे से गांव को अपना दिल दे बैठते हैं और देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। 2015 में रिलीज हुई तलवार देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को एक्सपोज करने का काम करती है। क्या सच में टीवी पे आने वाली खबरें उतनी ही सच्ची होती हैं जितना हमें दिखाया जाता है, या फिर हर कहानी के दो पहलू होते हैं, दूसरा वो जिसके बारे में टीवी के उस तरफ बैठे हुए पावरफुल लोग ही जानते हैं। 2009 में रिलीज हुई 13B एक ऐसे परिवार की कहानी है जो नए घर में शिफ्ट होते हैं लेकिन धीरे धीरे ये घर उनके लिए नर्क बन जाता है। कभी टीवी सीरियल में ये खुद का फ्यूचर देखते हैं तो कभी पास्ट में छुपे हुए कुछ ऐसे लोग दुनिया में वापस लौट आते हैं जिनकी मौत काफी पहले हो चुकी है। 2009 में रिलीज हुई गुलाल एक लॉ स्टूडेंट की कहानी है जो कॉलेज की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा फंसता है जिसमें दिल और दिमाग दोनों को गहरी चोट झेलनी पड़ती है।
प्यार में धोखा हो या फिर एक मर्डर में शामिल होना, जिंदगी कुछ ऐसी घूमती है कि गुलाल के लाल रंग से ही उसकी किस्मत की लिखाई होने लगती है। 2013 में रिलीज हुई द लंच बॉक्स दो ऐसे लोगों को आपस में मिलाती है जो अपनी अपनी जिंदगी में कई तरीकों से बर्बाद हो चुके हैं। एक मामूली से टिफिन की वजह से ये कई 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी एक दूसरे के सपनों की दुनिया में शामिल होने लगते हैं। 2015 में रिलीज हुई दृश्यम एक आम आदमी की पुलिस सिस्टम के खिलाफ जंग को फोकस में डालती है, जिसमें अपने परिवार को बचाने के लिए विजय एक ऐसे क्राइम को छुपाने की कोशिश करता है जिसमें अनजाने ही उसकी वाइफ और दोनों बेटियां शामिल हो जाती हैं। 2013 में रिलीज हुई लुटेरा एक ऐसे चोर की कहानी है जो लोगों के दिल और दिमाग से खेलकर उनको चूना लगाने में एक्सपर्ट है, लेकिन एक दिन चोरी पे मोहब्बत भारी पड़ जाती है और खजाने के बदले में अपने दिल का सौदा करना पड़ता है। क्रिमिनल या फिर लवर, दोनों में से जीत किसकी होगी? 2015 में रिलीज हुई तमाशा दुनिया के सबसे बड़े रियलिटी शो यानी हमारी जिंदगी को पर्दे पे उतारने का काम करती है। दूसरों के इशारों पे जिंदगी जीने से थक चुके हैं और लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, सारे जवाब तमाशा में मिलेंगे। 2006 में रिलीज हुई रंग दे बसंती आजादी की लड़ाई का नए जमाने वाला वर्जन हमारे सामने रखती है। 6 पक्के दोस्त जो एक विदेशी लड़की को डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद उसके अंदर घुसते चले जाते हैं और देश में बढ़ रहे करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। 2014 में रिलीज हुई हैदर कश्मीर में चलने वाले मौत के तमाशे को खुलकर हमारे सामने रखती है। एक सीधा साधा लड़का है जो अपने गुमशुदा पिता की तलाश कर रहा है, लेकिन उसके सबसे बड़े दुश्मन है चाचा और माँ, जिन्होंने मिलकर पूरे कश्मीर को खतरे में डाल दिया है। 2010 में रिलीज हुई उड़ान एक 16 साल के लड़के की कहानी है जो स्कूल से वापस आने के बाद अपने खतरनाक पापा के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाता है। एक तरफ उसको नौकर बनाकर जबरदस्ती फैक्ट्री में काम कराया जाता है तो दूसरी तरफ वो एक राइटर बनने का सपना देख रहा है। 2013 में रिलीज हुई मद्रास कैफे एक सीक्रेट एजेंट के ऊपर बेस्ड है जो दूसरी कंट्री में जाकर अपने देश पे आने वाले सबसे बड़े खतरे को टालने की कोशिश करता है। बदले में उसको लगभग अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और अकेले ही सारे दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ता है। 2016 में रिलीज हुई ट्रैप एक इंसान की खुद के दिमाग में चलने वाली लड़ाई के ऊपर बेस्ड है। मुंबई में बड़े बड़े सपने लेकर आने वाला शौर्य खुद एक घर के अंदर कैद हो जाता है। बाहर निकलने की उम्मीद 0% है और किचन में खाने के साथ साथ पीने का पानी भी लगभग खत्म हो चुका है। 2012 में रिलीज हुई बर्फी 3 लोगों के बीच में प्यार, दोस्ती और लालच के ताने बाने को बुनती है। एक गूंगा बहरा लड़का है जो खूबसूरत सी लड़की को दिल दे बैठता है, लेकिन प्यार के बदले में दिल टूट जाता है, जिसके बाद एक एबनॉर्मल लड़की की एंट्री होती है जिसके साथ उसका रिश्ता दुनिया की शर्तों से काफी ऊपर चला जाता है। 2017 में रिलीज हुई द गाजी अटैक पानी के नीचे चलने वाली मशहूर लड़ाई के ऊपर बेस्ड है, जिसमें दुश्मन की चाल को नाकाम करने के लिए कुछ बहादुर सोल्जर्स सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सबमरीन पे हमला बोल देते हैं। टेक्नोलॉजी या फिर देशभक्ति, दोनों में से जीत आखिर किसको हासिल होगी? 2009 में रिलीज हुई 3 इडियट्स कॉलेज की यादों को ताजा कर देती है। एग्जाम से पहले की पढ़ाई या फिर प्रिंसिपल की बेटी पे लाइन मारना, ये सारे हादसे हम असल जिंदगी में झेल चुके हैं। ऐसे में जब कॉलेज का टॉपर रेंचो गायब हो जाता है तो उसके दोस्त फ्लैशबैक की कहानियों की मदद से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2004 में रिलीज हुई ब्लैक फ्राइडे 1983 में हुए बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की सच्चाई अलग अलग नजरियों से हमारे सामने रखती है। एक नजरिया पुलिस का है तो दूसरा क्रिमिनल्स का, तीसरा ब्लास्ट के विक्टिम्स का तो चौथा इन सबको आपस में जोड़ने वाले लोगों का। कौन सच्चा है, कौन झूठा, जवाब काफी टेढ़ा है। 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी 3 महान पुरुषों की जुगलबंदी पर्दे पे उतारती है जो नौकरी के नाम पे कुछ खास नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया को अपनी हरकतों से हंसा हंसा कर हार्ट अटैक दे सकते हैं। फिर किस्मत बदलती है और एक किडनैपिंग के बदले में लाखों कमाने का मौका मिल जाता है। 2018 में रिलीज हुई अंधाधुन एक पियानो आर्टिस्ट की कहानी है जो अंधेपन की एक्टिंग करते करते एक खतरनाक मर्डर का गवाह बन जाता है। दुनिया को सच्चाई बताई तो लात घूंसे मिलेंगे और झूठ बोलना काफी मुश्किल है क्योंकि मर्डर करने वाले क्रिमिनल्स को उसकी सच्चाई का पता लग चुका है। 2012 में रिलीज हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर खानदानी दुश्मनी को फोकस में डालती है, जिसमें एक मामूली से मजदूर की मौत का बदला लेने उसका बेटा और उसके बेटे का बेटा भी तैयार हो जाता है। एक तरफ बड़े नाम वाले नेताजी है तो दूसरी तरफ किसी से ना डरने वाले गैंगस्टर्स। राजनीति पर डर भारी पड़ेगा या फिर कहानी उल्टी हो जाएगी। और अब बारी है उस फिल्म की जिसने इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड पूर्ति की देवी के पहले पुत्र हस्तर के बारे में है, जिसके लालच की वजह से बाकी सभी देवता उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। अपने पुत्र को बचाने के लिए देवी बाकी देवताओं से एक सौदा करती हैं, जिसमें हस्तर को कभी ना पूजे जाने की शर्त पर उसकी जान को बख्श दिया जाता है, लेकिन इंसान के बढ़ते हुए लालच की वजह से हस्तर दोबारा जाग उठता है। तो दोस्तों, ये थी वो दमदार फिल्में जिनको देखने के बाद शायद आपकी आंखों में बॉलीवुड की इज्जत अपने आप डबल हो जाएगी। अगर कोई फिल्म छूट गई हो तो तुरंत देख लेना, वादा करती हूँ टाइम का इससे अच्छा इस्तेमाल आपने जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।